केंद्र द्वारा बनाए गए खेती कानूनों को लेकर जहां किसानों द्वारा दिल्ली की सरहदों पर केंद्र के खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार होते भी नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाक सरहद पर जीरो लाइन पर बसे गाँव के किसानों की ज्यादातर जमीनें फेसिंग लाइन और जीरो लाइन के बीच हैं और सरकार द्वारा इन किसानों को 10-10 हज़ार रुपए बतौर मुआवजा देने का दावा किया जा रहा है। असीं बॉर्डर दे कंडे लास्ट पिंड हड़े ते साडे जिहड़े सानू 99 लै गए तार लगी है 99 दे बाद कुछ सानू पैसे नहीं मिले ओहदे बाद सरकार ने सानू मुआवजा जिहड़ा सानू जिहड़ा मुआवजा जिहड़ा मतलब देना 2500 रुपए शुरू किया सी ओह 2-3 साल उदों मिलिया ओहदे बाद फिर ब्रेक लग गई इह बादल साहब ने पैसे सानू शुरू किए सी उस तो बाद जो सरकार कांग्रेस दे तां भी नहीं मिले जे मिले है तो 2-3 साल दे गैप है जाना फिर मिल जाने 1 साल दे फिर बंद फिर हुण पिछली बार पिछले जी उन्होंने सरकार ने हाई कोर्ट ने कहा 10 हज़ार रुपए सानू मुआवजा देना शुरू किया हाई कोर्ट के फैसले मुताबिक लेकिन उस हाई कोर्ट ने भी कहा भी साल दे साल तुहाडे महंगाई के हिसाब नाल पैसे बदलणगे वो कोई पैसा नहीं मतलब जो 10 हज़ार जरूर देंदे सी तो पिछले जी इन्हां वो भी बंद करते उसके बाद असीं की कीता भी हाई कोर्ट के कंडेमन पाई कंडेमन पा के 2 साल के पैसे मिले है मतलब साडे जूनियर हैगी जूनियर ने पाई तो 2 साल के पैसे मिले उसके बाद कैप्टन सरकार आ गई ने एक पैसा नहीं दिता वो सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब देती है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 50% जी वो पंजाब गवर्नमेंट देती है पंजाब गवर्नमेंट की करती है सेंटर तो लैके तो वरत लैंदी है तो सानू दिंदी कुछ नहीं साडी जमीन तारों पार ने साडे पिंड लगभग 400 किले 350 किले तारों पार है तो लोगों पट्ठे तो भी तंगी है जे कणक बीजते हैं कणक नहीं रहती दूजी फसल झोना तो ला नहीं सकते टाइम नहीं हूँ इन्ना तो यह हूँ 10 हज़ार रुपया देना हूँ 3-4 चौथा साल हो गया अजे तक एक पैसा नहीं मिलया तो हूँ लोगों का गुजारा भी उस जमीन पर उसे फसल भी एक होंगी है तो वह भी जानवर नहीं छड़ते तो लोग इन्ने दुखी है गए तंग है गए मतलब अपना खर्चा भी कर बहुत इलाके जी पठानकोट जिले हैगी है कोई 2100 तो कुछ किला जी तो वह सारी सारी यो वाली है कि लोग कई तो मतलब थोड़ी बहुत जमीन वाले कई बार वाहते ही नहीं भी टाइम नहीं मिलना जे वाहते हैं तो मतलब इको फसल होंगी कणक तो जानवर नहीं छड़ते साढ़े पिंड का रकबा जो कुछ रकबा साडा तार तो पार है और कुछ रकबा साडा उज दरिया तो पार जिहड़ा साडा पिंड है एक्चुअली वो 55 दे जिहड़ा फलड पिया ही वो फलड दे विच रुड़ गया है हुण असीं दूसरे पिंड की आबादी दे विच रह रहे साडे पिंड दा जिन्ना रकबा कुछ तार तो पार ते कुछ दरिया तो पार सानू उहदी बहुत ज़्यादा मुश्किल है जदों असीं तार तो पार जाने कुछ BSF दीआं वी दिक्कत आउंदीआं एक फसल असीं तार तो पार बीजदे दूसरी फसल साडी बरसात वाली फसल है जिहड़ी उह कोई नहीं बजाउंदी जिहड़ी फसल असीं कणक दी बीजदे आ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਫਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹੋ ਮਾਂਹ ਤੇਲ ਬੀਜ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੈਤਪੁਰ 0 ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਮੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਮਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ